नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी, मेरा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिंगड़ी माछेर मलाई कड़ी। तो इसको कोई कोई प्रॉन्च बोलता है, झींगा बोलता है। तो चलिए चिंगड़ी माछेर मलाई कड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा 1 किलो मच्छी है। देखिए मैंने मच्छी अच्छा तरह धो के साफ कर लिया है। पीठ में जो शीरा रहता है वो शीरा भी निकाल दिया है। चाहिए अदरक, लहसुन, जीरा, लाल मिर्ची और प्याज। ये मुझे पेस्ट बनाना है। हल्दी, नमक, ये मैं फोड़नी के लिए रखा है प्याज। टमाटर प्यूरी बना के रखी, गरम मसाला और ये नारियल है, नारियल का दूध निकलना है। और ये रखा फोड़नी के लिए तेज पत्ता, जीरा और एक मसाला, अखा गरम मसाला, तेल। चलिए मेरा वहाँ पे कढ़ाई गरम हो गया है। मैं कढ़ाई में तेल देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल दे दिया है। मच्छी में हल्दी नमक लगाते हैं। स्वाद अनुसार नमक देना है। अभी हम मच्छी फ्राई कर लेते हैं पूरा। अभी मेरा मच्छी सारे फ्राई हो गया है। ये झींगा मच्छी ज्यादा फ्राई नहीं करते हैं, कम ही फ्राई किए हमने। जो मसाला रखा था मैंने दिखाया, लहसुन, प्याज, जीरा, तो ये पीसा है। अभी हम ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता देंगे। ये दालचीनी है, ये लवंग है, ये काली मिरी है, ये जीरा है, ये छोटे इलायच है, ये पूरा दे देंगे हमें। अभी जो ये प्याज कट के रखी थी, आधा प्याज था मेरा, आधा प्याज दे दिया है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, जो नारियल का दूध निकालेंगे उसी को ही डालेंगे। अभी ये मसाला पीस के रखी हूँ, ये डालती हूँ। मसाला अच्छा तरह भूनना चाहिए। अभी मेरे को मसाला भूनने के लिए 20 मिनट टाइम लगेंगे। मसाला भुनना हो गया मतलब मेरा मलाई करी भी हो गया, जल्दी हो जाता है। अभी हम ये नारियल है आधा, मुझे यहाँ पे डेढ़ नारियल है, एक है और आधा है, तो मैं आधा आधा करके दो बार पीसना है। इसके अंदर मुझे पानी डालना है। देखिए मैंने ऐसा किया है, अभी इसको छनना है हाथ का सहारा से। फिर से और एक बार इसको पीसना है थोड़ा पानी डाल के। अभी डालती हूँ हल्दी, स्वादानुसार नमक, ये टमाटर प्यूरी डालती हूँ। अभी हम ढक के फ्राई करेंगे। देखिए मैं नारियल का दूध निकल के रखा है यहाँ पे। मसाला भी लगभग हो गया है, देखिए तेल बाहर आया है। कैसे पता चलेगा हमको, जब तेल बाहर आता है ना मसाला का ऊपर, तब हमको पता चल जाता है जो मसाला हो गया है। तो अभी मेरा मसाला पूरा तैयार हो गया है। अभी मैं नारियल का दूध डालेंगे इसके अंदर। चलिए अभी ये जो नारियल का दूध निकल के रखा पूरा डाल देते हैं। अभी जब तक बॉयल ना हो तब तक हम मच्छी नहीं डालेंगे। थोड़ा बॉयल होने के बाद हम मच्छी डाल देंगे इसके अंदर। अभी हम ये 3 हरा मिर्ची चीर के रखा हुआ है वो डाल देती हूँ। और ये जो मच्छी फ्राई करके रखा मच्छी डाल देती हूँ सारे।
अभी और 15 मिनट लगेंगे। अभी हम गरम मसाला देंगे, एक चम्मच गरम मसाला देंगे। गरम मसाला देके थोड़ा 5 मिनट थोड़ा धीमी आंच पे ढक के रखना है। अभी 5 मिनट रखना है ढक के। अभी 5 मिनट बाद देखिए ढक्कन उठाया है, देखिए तेल कैसे बाहर आया। अभी हो गया है, अभी बाउल में डालेंगे। चिंगड़ी मच्छी मलाई करी कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट कीजिएगा।